जी नेक्स्ट शुरू करते हैं कन्वर्जन फ्रॉम अदर सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम। अब अदर सिस्टम्स बाइनरी के क्या होंगे? अदर सिस्टम है कैन बी डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले है डेसिमल टू बाइनरी, तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते थे? अगर डेसिमल का 100 दिया है तो उसको डिवाइड करना है बाइनरी का बेस जो होता है दैट इज 2 के साथ, तो क्वेश्चन आ जाएगा 50 को आगे रिमाइंडर बचा 0 सॉरी, ठीक है। फिर आगे 2 के साथ डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 25, रिमाइंडर बचा 0, ठीक है। फिर 2 के साथ डिवाइड किया, ये आ गया 12, रिमाइंडर बचा 1, ठीक है। 12 को डिवाइड करेंगे वो हमारे पास बचेगा 6, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर आगे 3 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचा 0। फिर 3 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, रिमाइंडर बचा क्वेश्चन बचा हमारे पास 1 और रिमाइंडर बचा 1। तो यहाँ से शुरू करना है, हमने रिवर्स में जाना है, ठीक है। तो यहाँ से 1 0 0 1 0 0, ये हमारी इक्वेशन बन जानी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं आपको दोबारा नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्टल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी हो गया था अभी, अब ऑक्टल से बाइनरी में लेके जाना है हमने कोई नंबर। टू गेट द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ गिवन ऑक्टल नंबर वी हैव टू कन्वर्ट ईच ऑक्टल डिजिट इनटू इट्स 3-बिट बाइनरी नंबर। हमारे पास ये एक ऑक्टल का नंबर दिया है 364, इसको हमने सेपरेट मानना है, 4 को अलग मान ले, 6 को अलग मान ले, 3 को अलग मान। अब 4 ऑक्टल का बाइनरी में क्या लिखेंगे? 3 डिजिट्स में कन्वर्ट कर लेना, 4 जो होता है दैट इज इक्वल टू 100। तो ये मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे ही 6 क्या होता है 110, ये ऐसे लिख दिया। 3 क्या होता है? 3 डिजिट्स में लिखना है हमने बाइनरी के 011, ठीक है। तो इन तीनों को कंबाइन करते हैं, ये मेरे पास आ गया 011 110 100, इट इज एज सिंपल एज इट इज लुकिंग इट, राइट। आगे ये इक्वेशन दी है 364.25, तो इसको करना है, तो सेम प्रोसीजर है, इसमें कोई हमने इंटेग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट अलग अलग नहीं करना, वो सिर्फ डेसिमल में करना था हमने, ठीक है, वो हमने अच्छे तरीके से कर लिया। इसमें सिंपल आपने किसी भी ऑक्टल वैल्यू को 3 बाइनरी डिजिट्स में, 3 बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट कर लेना है, और वो वैल्यू 0 से 7 तक होगी, ठीक है। तो वो आपने याद रखनी है बस, जैसे 5 है, 5 की वैल्यू बनती है 101, 2 की वैल्यू बनती है 010, 4 की बनती है 100, 6 की 110, 3 की 011, सबको कंबाइन कर लिया, जिसमें डेसिमल ऑक्टल पॉइंट लगाना था लगा दिया, तो सिंपल, ठीक है, ये हो गया ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। नेक्स्ट है हेक्सा टू बाइनरी, सेम प्रोसीजर होगा ऑक्टल जैसा, बट इसमें 4-बिट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, उसमें 3 में कर रहे थे, इसमें 4 में करेंगे, ठीक है। 4 में कैसे करेंगे देखते हैं, ये हमारे पास हेक्सा का नंबर है, इसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। 2 को जब हम 4 बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो बनेगा 0010। अब ये 00 जो है ये MSB है, इसको करना 4 में, पर इसकी वैल्यू सेम है। हम अगर 0010 ऐसे लिख दें, और या इसको 010 लिख दें, या इसको 10 लिख दें, ये तीनों सेम वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं मेरे पास 20 रुपए हैं, तो 20 रुपए के आगे मैं इसको 20 भी लिख दूं, 020 लिख दूं, या 0020 लिख दूं, तो आंसर विल बी सेम, राइट। तो MSB में 0 लगा दो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो आप हमने 2 की वैल्यू लिख दी 0010, बी की वैल्यू, बी होता है 11, तो 11 की वैल्यू बनती 1011। ऐसे ही एफ की वैल्यू 15 की वैल्यू होती है 1111, ठीक है। ए की वैल्यू 10, तो ए की वैल्यू होती है 10 की वैल्यू होती है 1010। तो ये हमारा बाइनरी कन्वर्जन हो गई हेक्सा, ठीक है। आप अपनी कॉपी पे इसको जरूर करके देखिए 1-2 बार, आपको समझ आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो हम इसको सेशन में डिस्कस कर लेंगे, राइट। थैंक यू।